144 हर्ट्ज के साथ आने वाला पी ओलेड वाला स्मार्टफोन जिसमें कर्व डिस्प्ले मिलती है, IP68 की रेटिंग मिलती है, ये भाई खतरनाक स्मार्टफोन सिर्फ 30,000 रुपए के नीचे आ रहा और 5G भी है। कौन सा है ये फोन पता चल गया, वैसे पता चलेगा पीछे दिखा दिया, ये भाई मोटो एज 40 जिसका आज हम लोग भाई रिव्यू करने जा रहे हैं। हमने भाई फोन को बहुत अच्छे से यूज कर लिया, हमें पता चल चुका है कि भाई ये फोन के अंदर बैटरी बैकअप कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसी है, डिस्प्ले कैसी है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी है, सब तुम्हारा भाई आज इस रिव्यू के अंदर बताएगा। तो भाई ऐसे कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि आज हम जा रहे हैं मोटो की गहराइयों में। बट उससे पहले भाई हमारे पास ना एक स्पेशल चीज है, आपने भाई ये वाला कलर तो देखा ही होगा, साथ ही में इसका वीगन लेदर वाला ग्रीन कलर भी देखा होगा, लेकिन हमारे पास ना स्पेशल पॉकेट में एक फोन है जो कि पैंटोन एडिशन वीवो मैजेंटा कलर, और ये भाई मोटो एच 30 में लॉन्च किया था पहले और अब ये मोटो एच 40 में लॉन्च कर दिया, काफी ज्यादा भाई सुंदर सा कलर है, बेसिकली लाल है, सही पकड़े हैं। और ये वाला जो कलर है भाई ये भी हमने यूज करा, इसका ना पीछे आपको पूरा वीगन लेदर देखने को मिल जाता है, तो डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग कलर होगा। हमारे पास दो कलर है, आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर, यहाँ पे हमारे पास वीवो मैजेंटा, नया मस्त कलर है। तो ये वाला फोन भी हमने आप देख सकते हो भाई सिम विम लगा के अच्छे चेक करा, बेसिकली नया कलर था ना, ज्यादा अच्छा लग रहा था, टेस्ट करना था, इसलिए हमने ज्यादा ये करा, H40 के वाले कलर को साइड रख दिया, तो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं कलर को। बट स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहली चीज से, जो हम लोग जब भी कोई फोन लेते हैं तो सबसे पहली चीज आप लोग क्या देखोगे वो है भाई फोन का लुक एंड फील कैसी है इन हैंड। तो भाई देखो, अगर आप लोग जैसे H40 का अगर ये वाला कलर लेते हो, ऑब्वियसली सब लोग ज्यादातर ये वाला प्रेफर करेंगे या फिर ब्लैक लोगे, तो आपको ना ये जो फील है एक डिफरेंट देखने को मिलती है। पीछे में आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो फ्रेम है ये भाई मेटल का है, तो आपको जो इन हैंड फील हो डेफिनेटली बहुत अच्छी आती है, और फोन ना बहुत ही ज्यादा लाइट वेट फील होता है, तो उससे आपको ना लगेगा कि आपने कुछ प्रीमियम चीज पकड़ी हुई है। यूजुअली आजकल के टाइम में इस रेट में ना आपको ऐसी चीज नहीं मिलती, और साथ ही में 6.55 इंच के सामने में डिस्प्ले मिलती है जो कि कर्व्ड है साइडों से, मतलब 3D कर्व्ड है, और ये ना पूरा ओवरऑल जो इन हैंड फील है बहुत अच्छा बना देता है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, अगर भाई आप लोग ये फोन को विदाउट कवर यूज करो ना, तो बहुत बड़ी दिक्कत ये कि फोन स्लिपरी बहुत है, हाथ से बहुत इजीली स्लिप करता है, और ना छोटा है मतलब ना, तो उससे क्या ना आपको पकड़ने में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग भाई ऐसे अगर वीगन लेदर लोगों तो ये इतना स्लिपरी नहीं है क्योंकि पीछे ग्रिप अच्छी बन जाती है। बाकी फोन के अंदर आपको कुछ इस तरीके कवर देखने को मिलता है, कवर भी सही है, और आपको ना यहाँ पे जो बंप मिलता है ना कैमरा के अंदर, इस पे आप लोग अपनी लाइक रेस्ट कर सकते हो फिंगर, एंड फोन काफी इजीली होल्ड रहता है, तो हमने ये सब चीज चेक करी थी ना तो सही लगा। लेकिन डिजाइन के अंदर मैं एक मेजर फ्लॉ बोलूंगा जो मुझे पर्सनली फील हुआ, वो है भाई यहाँ पे बटन्स के लेआउट के अंदर। अब सीन क्या है, अगर आप लोग बटन देखोगे तो वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन तीनों के तीनों सिमिलर है, एंड इवन भाई तीनों के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम बटन है। और वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन ना यूजुअली क्या होता है, एक ही लाइक सिंगल बटन होता है पूरा, लेकिन इसमें अलग अलग है। अब होता क्या है कि मैं जैसे लाइक फोन को अगर बंद करना है, ऑन करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो दिन में आप लोग को ये चीज मतलब हो जाएगी सेटल इन। तो अब बात आती है डिजाइन के बाद भाई डिस्प्ले, क्योंकि ये एक बहुत मेजर चीज होती है, आप लोग भाई जब फोन को देखोगे ताड़ोगे तो आप लोग डिस्प्ले ही मेजर चीज होती है जब देखोगे। तो इसमें 6.55 इंच का एक पी ओलेड 144 का बढ़िया पैनल दे रखा है। अब हमारे को कहीं पर भी दिक्कत नहीं आई, 144 हर्ट्ज कंसिस्टेंसी के साथ देता है, हमने इंस्टाग्राम के अंदर भी स्क्रॉल करा, हमारे कंसिस्टेंट फ्रेम रेट्स देखने को मिल रहे थे, कोई इशू नहीं था। बाकी अगर भाई कलर्स की बात करो तो एक ओलेड डिस्प्ले, आप ओलेड डिस्प्ले से कितना एक्सपेक्ट करते हो वही सेम चीज आपको करके देगा, मतलब जो हाई कंट्रास्ट रेशियो होता है, सैचुरेशन लेवल होते हैं, वो बिल्कुल बढ़िया है। इवन आप लोग भाई 4K HDR 60fps प्ले करोगे मक्खन स्मूथ तरीके से चलता है। सो हमने यहाँ पे 4K HDR 60fps वाली वीडियो प्ले कर ली, YouTube के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे 2160 60fps के अंदर HDR वीडियो प्ले हो रही है, एंड नॉर्मल फोन कोई भी होता है ना इस रेंज के अंदर कभी ना स्टटर करने लग जाता है, बट आप देख सकते हो 144 हर्ट्ज़ पे डिस्प्ले, एंड यहाँ पे कोई भी स्टटर नहीं है, तो मतलब डिस्प्ले काफी सही परफॉर्म कर रही है, कोई इशू नहीं है। इवन कलर्स जो है, ब्राइटनेस जो है वो सही लगती है, और लाइक HDR कंटेंट के अंदर 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो डार्क पार्ट के अंदर भी हमारे को सही दिखती है, तो डिस्प्ले से कोई भी मेरे को शिकायत नहीं है। एंड साथ ही भाई अगर आप लोग कंटेंट वॉच करो, डिस्प्ले तो होती इंपॉर्टेंट है, उसके साथ होता है भाई स्पीकर इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हमारे को स्टीरियो स्पीकर सेटअप देखने को मिलता है, एंड स्टीरियो स्पीकर सेटअप जो दिया है इसके अंदर काफी ज्यादा रिच साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड बहुत ही अच्छा है, मतलब बैलेंस साउंड देते हैं, एंड डेफिनेटली आपको भी अगर मैं सुनाऊं ना यहां पे आपको भी मजा आएगा जब आप इसमें कोई मूवीज देखोगे। एंड फोन के अंदर अगर आप लोग टॉप में देखो तो यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है, तो ये स्पीकर के अंदर ना आपने अभी जो नोटिस करा इसी वजह से थोड़ी और साउंड को अच्छी कर देता है, एंड आपको रिच साउंड सराउंड साउंड वाली फील बढ़िया आती है इस फोन से। तो डेफिनेटली डिस्प्ले और स्पीकर से तो भाई आपको कोई इशू नहीं आएगा, फोन बहुत तगड़ा है वहाँ पे। एंड इसी के साथ एक चीज और है भाई, ये फोन जो है IP68 की रेटिंग के साथ आता है, तो आप लोग इसको थोड़ा बहुत पानी में से डुबा सकते हो। और एक चीज देखो, जब ये लाइक इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चलती है ना फोन की, तो 60fps पे शिफ्ट हो जाता है, जब ऑन होती है 144 हर्ट्ज़ पे, और अगर लाइक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चलेगी तो 60fps पे, तो बेसिकली इससे आपकी बैटरी भी सेव होती रहेगी। बैटरी का लास्ट में बताऊंगा कि भाई क्या सीन है, क्योंकि काफी ऐसे भसड़ मची पड़ी कि भाई बैटरी की बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट तुम्हारे भाई ने अलग टेस्टिंग करी, हमें पता चलेगा क्या है, तो असली सच लास्ट में, ठीक है। अब आती है भाई मेजर चीज की बात, वो है परफॉर्मेंस कैसी रही इस फोन की, क्योंकि यार ऑब्वियसली ये फोन आपको लाइक 28-29,000 में जो चीजें दे रहा है ना, जल्दी से आपको कोई और सेगमेंट में नहीं मिलती। तो इसके अंदर हमारे को MediaTek Dimensity 8020 प्रोसेसर मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है। अब सीन क्या था कि भाई हमने ना इसके अंदर डे टू डे टास्क करे, लाइक इंस्टाग्राम चलाया, सब कुछ चलाया, हमारे को कहीं पर भी कुछ भी स्टटर जो हुआ ही नहीं फील, मतलब सरल भाषा के अंदर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी इस फोन ने। अगर आप लोग नॉर्मल डे टू डे
पास करो, अपना लाइक डायलर खोल रहे हो, अपना मैसेजेस खोल रहे हो, आप क्रोम खोल रहे हो, अब देख सकते हो यहाँ पे जो एनिमेशन स्पीड है वो बहुत फास्ट है। एंड इवन मैंने एक चीज नोटिस करी फोन के अंदर, जब मैं चला रहा था ना, कहीं पर भी आपको लगेगा नहीं कि यार आप ऐसे कोई 27,500 का फोन यूज कर रहे हो, आपको लग सकता है कि यहाँ पे 50,000-60,000 का फोन है ये। एंड जैसे कि मैंने यूट्यूब में आपको दिखाया कि भाई 4K 60fps के अंदर कितने आराम से उसने हैंडल कर लिया, क्योंकि 4K 60fps HDR कोई भी फोन आराम से हैंडल नहीं कर पाता, स्टटर आते हैं अगर आप लोग स्क्रॉल करते हो बैकग्राउंड में, बट इसके अंदर वो नहीं हुआ। अब ये चीज यार देखो, मैं ऐसे ये वाले जो रिव्यूज बनाता हूं, भाई हम लोग बड़ा ऐसे नहीं बनाते कि भाई पेड़ वेड़ ऐसा कुछ नहीं होता, ये चीज जो हमें फील हो रही है हम बता रहे हैं, जो चीज हमें नहीं अच्छी लगी हम बता देंगे नहीं अच्छी है भाई। एंड इवन आप लोग Geekbench एंड Antutu यहां पे देख सकते हो कुछ स्कोर्स इतने आते हैं। बाकी हमने अपना जो इसका गेमिंग टेस्ट है ना दूसरे चैनल पर डाला हुआ है, वहां पे इन डेप्थ आपको गेमिंग के बारे में अगर जानना है इस फोन के बारे में, तो उस वाले चैनल पर जाकर चेकआउट करो, पूरा गेमिंग टेस्ट है, आपको वहां पे चल जाएगा गेमिंग में कैसा ही है फोन, ठीक है। बाकी हम बता देते हैं, अगर थोड़ा सा स्नीक पीक दूं, मस्त चलता है गेम में भी। बाकी फोन के अंदर 8GB रैम ही हमारे को देखने मिलती है, चाहे आप कोई सा ही मॉडल हो, 256 या 128। बाकी इसमें UFS 3.1 की स्टोरेज है, तो मतलब फोन के अंदर जितनी चीजें होनी चाहिए ना परफॉर्मेंस वाइज को लेकर अगर अच्छी मिलनी चाहिए जो वो सारी इसमें लगा दी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको परफॉर्मेंस से, मैं बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है ना। और भाई देखो आजकल के फोनों के अंदर ना भाई 5G होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस फोन में हमारे को 14 5G बैंड मिलते हैं। हमने इसमें सिम लगा रखी जियो की, आप लोग देख सकते हो नेटवर्क हमारे बढ़िया आ रहा है, हमने पूरा यूज करा, मस्त 5G चल रहा है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं रिसेप्शन के अंदर। एंड साथ ही में वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है, मुझे पता वाईफाई 6 के राउटर लोगों के पास अभी है नहीं, इंडिया में बहुत महंगे आते हैं, बट हाँ वाईफाई 6 का सपोर्ट है, तो अगर कहीं पे आपको मिलता है, आप लोग बाहर जाते हो कहीं, तो आप लोग यूज कर सकोगे वो चीज भी। अब परफॉर्मेंस जैसे हमने बताया, उसको ना एक और चीज होती है जो टारगेट करती है, वो है भाई सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर अगर आपके फोन का अच्छा नहीं है, सॉफ्टवेयर में बग्स ज्यादा है, सॉफ्टवेयर में लाइक आपके ब्लोटवेयर ज्यादा है, तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको फील नहीं आएगी। बट मोटोरोला हमेशा से ये काम करता है कि आपको सॉफ्टवेयर क्लीन देने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हमारे MIUI UX देखने को मिलता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13, और साथ ही में इसमें 2 साल के हमारे मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, तो ये साइकिल हमारे को मोटोरोला ने बताई है। बाकी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाली फील देता है, थोड़े बहुत मोटो के अपने जेस्चर्स ऐड हैं, जैसे अगर आप लोग शेक करो तो ये सब चीज ऑन हो जाती है, थोड़ी बहुत चीजें हैं मोटो के, अपनी बहुत एप्लीकेशन आ जाती है, मोटो सिक्योर, मोटो हब, मोटोला, तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो इसमें आती है, बट एज सच कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है फोन के अंदर, ये मुझे एक पर्सनली चीज अच्छी लगी। और बाकी फोन के अंदर सटल एनिमेशन भी ना बहुत ज्यादा तेज है, जैसे कि मान लो आप लोग गूगल में यहाँ पे कुछ सर्च करते हो, ठीक है, देखो कितने ज्यादा मस्त तरीके से आया, मैं वापस जाता हूँ, देखो कितनी तगड़ी तरीके से मिनिमाइज हुआ, तो छोटी छोटी चीजें जो आपको काफी ज्यादा इंटरेक्टिव बनाती है अपने फोन के साथ, जो मुझे बहुत अच्छा लगा इसके साथ। अब इसमें और छोटे छोटे फीचर्स, जैसे कि इसमें साइड टॉगल वाला हमारे पास यहाँ पे है, अगर मैं इसे हल्का सा स्वाइप करता हूं तो ये हमारा एक क्विक टॉगल टाइप खुल जाता है, इसमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हमारा क्रोम, जैसे इंस्टाग्राम अगर मैं खोलता हूं तो छोटी सी विंडो में इंस्टाग्राम हमारा खुल जाएगा। एंड साथ ही में हमने यार फोन के कैमरा भी टेस्ट कर लिए थे। अब कैमरास का सीन मैं बताता हूं क्या है, थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर टेस्ट करा कैमरास को। अब यहाँ पे हमारे को 50 MP का मेन कैमरा मिलता है और 13 MP का हमारे को अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। अब जब हमने फोटोज क्लिक करी ना, यहाँ पे OIS है बढ़िया, मस्त काम करता है, आपको स्टेबिलिटी दे देता है। रात को मैंने यहाँ पे फोटो क्लिक करी, आप देख सकते हो एक्सपोजर अल्ट्रा वाइड से कैसा रहता है, नॉर्मल कैसा रहता है, अच्छी फोटो आई, मेरे को दिक्कत नहीं लगी फोटोज के अंदर, मेरे को ना फोन से ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई सच बताऊं तो। डे लाइट के अंदर भी हमने खींची है और रात में भी खींची है। मेजर दिक्कत जो मुझे इस फोन के साथ लगी वो थोड़ी वीडियो सेक्शन के अंदर है, वीडियो के अंदर इस फोन का हाथ थोड़ा सा ढीला है। बेसिकली हमने 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्ड करने की जब कोशिश करी, तो आप लोग देख सकते हो हल्का फुल्का जिटरनेस आती है। और एक चीज हमने और लाइक नोटिस करी वो ये कि अगर आपके फोन की बैटरी 15% से नीचे है ना, तो इसका कैमरा भाई बहुत ज्यादा जिटर करने लग जाता है अगर आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हो, तो ये भी एक चीज ध्यान रखना, जो मुझे चीज दिखी मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही यार हमने ना एक चीज नोटिस करी इस फोन के अंदर, वो है भाई इसमें ना सामने जो सेल्फी कैमरा मिलता है 32 MP का, लेकिन इसकी जो सेल्फीज है और जो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी है ना सेल्फी कैमरा से आने वाली, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्वालिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है, स्किन टोन्स बेसिकली बहुत अजीब आते हैं इसके सेल्फी कैमरा से। एंड इवन स्किन टोन्स के अंदर अगर मैंने पीछे वाले कैमरा की बात जैसे करी थी ना, भी स्किन टोन्स के अंदर बेसिकली ना पीछे वाला कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों ही मेरे को इतने अच्छे नहीं लगे हैं। मतलब ऐसे ना लगता है कि भाई स्किन के अंदर से जान सी है ही नहीं, लालपन है ही नहीं, मतलब होता है अंदर से ना एक एनर्जेटिक फील आती है ना स्किन को देखकर, वो आ नहीं रही इसकी फोटो से देख के, तो ये चीज है जो मुझे फील हुई पर्सनली। बाकी फोन के कैमरा से हमने वीडियो भी रिकॉर्ड किया 4K 30fps का, यहाँ पे सैंपल देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारे वीडियो मिलती है। एंड ये वाली वीडियो जो नॉर्मल मेन कैमरा से हमारी रिकॉर्ड हो रही है 4K 30fps के अंदर, आपको पता चल पा रहा होगा क्वालिटी किस तरीके की आ रही है। ये वाली वीडियो बहुत अच्छी चल रही है, स्टेबल चल रही है, OIS के साथ काफी ज्यादा बढ़िया, और ऑब्वियसली इसका जो मेन कैमरा वो OIS के साथ आता है, बाकी हमारे अल्ट्रा वाइड में EIS देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई ये है भाई मोटो H40 की वीडियो है, जैसे तो अल्ट्रा वाइड के अंदर 4K 30fps रिकॉर्ड कर रहा है, काफी सही है, लाइक ओवरऑल लुक अच्छा लग रहा है। इस टाइम पर बारिश का मौसम बना पड़ा है दिल्ली के अंदर, बल्कि खूबसूरत मौसम है, बहुत सही है। अगर हम थोड़ा इधर उधर होते हैं फिर देखते हैं कैसी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। सो ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K के अंदर रिकॉर्ड हो रही है 30fps के अंदर। भाई इसकी ना सेल्फी वीडियोस एंड सेल्फी कैमरास का अच्छा नहीं है भाई, बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं आया, क्वालिटी बहुत ही खराब है भाई, स्किन टोन्स के अंदर ना अजीब सा ऐसा लगता है, तो मतलब आप लोग ब्लॉग व्लॉग नहीं कर सकते। एंड इवन मेरे को यार इसकी क्वालिटी नहीं पसंद आ रही भाई, फ्रंट कैमरा से मेरे को अच्छा नहीं लगा भाई। कैमरा तो यार काफी सेंटर के मैं बोलूंगा ठीक है, डिसेंट है, बट इतने भी ज्यादा बढ़िया नहीं है। वीडियोस के मामले में अगर आप लोग फोन लेना चाहते हो व्लॉग व्लॉग करने के लिए, तो ये फोन उतना ज्यादा बढ़िया आपको नहीं लगेगा। सो अब भाई लास्ट में हम लोग आ रहे हैं, हमने हर एक चीज की फोन की बात कर ली, लेकिन अंदर पावर तो तगड़ी है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन अगर इंजन में भाई ऑयल ना हो तो चलेगा नहीं ना, तो इंजन में ऑयल डालने
के लिए। बैटरी की अगर बात करें, बैटरी कितनी क्षमता है, तो इसमें हमारे को 4400 mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है, जो कि भाई वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करती है 15 वाट्स की, और साथ ही में 68 वाट्स का हमारे को चार्जर मिलता है बॉक्स के अंदर इस फोन के साथ, आपको एक्स्ट्रा नहीं खरीदना पड़ेगा, तो ये एक चीज है। अब बैटरी देखो यहाँ पे 4400 mAh की, तो मतलब हाँ छोटी है बैटरी, बट हमने भाई ऐसा कोई भी बैटरी में इशूज देखे, हमने भाई इसके अंदर पूरा फुल चार्ज करके जब फोन यूज करा, हमारे को बिल्कुल लेटेस्ट फोन 5-5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है, जिसके अंदर हमारी 20% बैटरी भी बची हुई है। तो आप लोग मान के चलो कि जब ये फोन थोड़ा लर्न कर लेगा हमारा यूजेज पैटर्न को, तो आराम से आपको 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा, जो कि मेरे हिसाब से मोर देन सफिशिएंट है भाई किसी भी यूजेज के हिसाब से आज के टाइम पे। तो देखो मेरा निष्कर्ष ये निकल कर आया है, और सभी का मतलब ये कि जितने मैं रिव्यूज देख रहा हूं वो यही है भाई, सभी लोगों को फोन बहुत पसंद आया, इवन मुझे भी बहुत पसंद आया। जिस तरीके से मोटो ने इस फोन को लाइक पुट अप करा है 27-28 हज़ार के अंदर, जो चीजें ये दे रहे हैं बहुत अच्छी है, ओवरऑल एक बहुत बैलेंस्ड फोन है, आपको भी पसंद है अगर आप लोग लेते हो इसको। मोटो H40 मेरे हिसाब से भाई गुड टू गो है, आपको लेना है तो आप लोग ले सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे कलर्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकाल दिया मोटोरोला ने, तो काम काफी ज्यादा बढ़िया हो रहा है। और बस यार यही थी वीडियो, अगर आपको लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।